जो हमारे रेड़ीबान भाई हैं और कुछ बहनें जो हैं वो अरसे दराज से बहुत सौबतें उठा रहे हैं, ये हमारे माशरे का और हमारी हुकूमतों का एक ब्लाइंड स्पॉट रहा है। ब्लाइंड स्पॉट अंग्रेज़ी में वो चीज़ कहते हैं ना कि एक चीज़ आपको नज़र ही नहीं आ रही। हर स्ट्रीट पे रेड़ियाँ लगी हुई हैं, हर स्ट्रीट पे खोखे हैं, मगर हमने ना उनको रिकग्नाइज करना है, ना उनको उनको फैसिलिटेट करना था, ना उनको किसी तरह से उनकी मावनत करनी थी। और एक भत्ते का सिस्टम राइज था, एक भत्ते का सिस्टम जिसमें इन लोगों को तरह तरह की सौबतें उठानी पड़ती थी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। जो ये मेहनत करते थे उसकी राह में तरह तरह की रुकावटें थीं और हुकूमतें भी उन रुकावटें डालने का हिस्सा रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमने बहुत कोई तीर मार लिया है, कोई बहुत कमाल कर लिया है, कोई बहुत पूरे शहर में एक रेवोल्यूशन ले आए, मगर ये बड़ी अहम शुरुआत है एक पायलट की। और हमने सबसे पहले ये फैसला किया कि हम जो लोग वहाँ बैठे हैं फ़िलहाल हम उन्हीं को लाइसेंस देंगे, हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इससे आगे बढ़ते तो फिर एक सिफारिशों का बाज़ार गर्म हो जाता है और फिर और लोग आ जाते और आप लोगों को लाइसेंसेस मिलते ही ना। सर्वे के बाद फिर लोगों को दूसरी जगह पर बिठाया गया। पहले हमने उनको रेड़ियाँ खुद से दी, कुछ लोगों को, कितने लोगों को खुद से दी, 25 लोगों को खुद से दी थी जब हमने G11 में ये शुरू किया था। और फिर उसके साथ हमने एक नेचुरल एवोल्यूशन हुई, एक पार्टनर, दो पार्टनर बैंक्स हमारे साथ आए और पार्टनर बैंक्स ने इनके लिए एक लोन का प्रोग्राम किया। और उसके बाद जो रेड़ियाँ दी गईं वो पार्टनर बैंक्स के ज़रिए दी गई, क्योंकि हुकूमत के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर किसी को रेड़ी मुफ्त देगी।